कोरोना वायरस बीमारी के प्रति चल रहे जागरूकता अभियान के तहत गुरुवार को महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह ने टीम के साथ मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जागरूकता रैली निकाली। महिला थाने से निकाली गई रैली गणेश चौराहा, काली मंदिर, विजय चौराहा, बख्शीपुर, रेती, नगर निगम, कचहरी चौराहा, गोलघर होते हुए पुनः महिला थाने पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान गलियों में अनावश्यक घूम रहे लोगों को घर में रहने की हिदायत दी गई तथा कोरोना वायरस के प्रति जागरूक भी किया गया। थाना प्रभारी अर्चना सिंह ने लोगों को मास्क का प्रयोग करने के साथ साथ आरोग्य सेतु ऐप के संबंध में भी जागरूक किया तथा कहा कि कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ बचाव ही इसका उपचार है, इसलिए लॉकडाउन का पालन करें और वैश्विक महामारी से बचें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह ने कहा, इस्तेमाल के लिए नहीं है। हम लोग द्वारा लगातार लोगों को कोरोना वायरस बीमारी के संबंध में जागरूक किया जा रहा है, परंतु हम लोग गलियों तक नहीं आ पा रहे थे। इसके लिए आज हम लोग दो पहिया वाहन से निकले हैं ताकि गलियों में जाकर लोगों को जागरूक कर सकें कि वो लॉकडाउन का पालन करें और अपने अपने घरों में रहें, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग ही कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी का एकमात्र तरीका है। ऐसे कुछ लोग मिले हैं जो मास्क नहीं लगाए थे रास्ते में? बिल्कुल, बहुत लोग ऐसे मिले जो मास्क नहीं लगाए थे, उनको हिदायत दे के छोड़ दिया गया है, और अगर भविष्य में ऐसा वो करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।